फाइनली आज आपके सामने है 2023 की न्यू यमाहा की R15S जो कि सिंगल सीट E20 OBD2 वाला मॉडल आप देख रहे हैं। इस बाइक में क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, माइलेज क्या है, टॉप स्पीड क्या है, ऑन रोड कीमत क्या है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन नया कलर इसमें दिया गया है और नीचे में यमाहा का स्टिकर है और यहाँ पर R15 ऊपर में स्टिकर के साथ है और नीचे में S लिखा हुआ है। S मतलब ये सिंगल सीट वाला वेरिएंट है, वर्जन 3.0 और यहाँ पर S लिखा हुआ है। S मतलब कि सिंगल सीट। जी हाँ, ये बेस वाला मॉडल है, B3 का सबसे बेस मॉडल है और इसमें सिंगल सीट मिल जाती है। सिंगल सीट का फ़ायदा ये है कि पीछे में आप लेडी पिलियन या फिर फैमिली मेम्बर को बैठा सकते हैं और जो काफ़ी लंबी चौड़ी सीट है भाई ऊपर वाले इससे मॉडल जो भी आते हैं और यहाँ पर जो काउल वगैरह दिए गए इसमें जो है वो प्रॉपर तरीके से एयर जो है वो पास हो जाती है। 810 mm की सीट हाइट है, 5 feet 4 inch आपकी हाइट होनी चाहिए। बाकी ये टॉप मॉडल है और इस टॉप मॉडल में और इससे जितने भी निचले वाले मॉडल है इसमें आपको स्प्लिट सीट का ही ऑप्शन मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं जो पीछे वाला जो पिलियन है, लेडी बिठाते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो टेल लाइट है वो आपको LED में मिल जाएगी, जो इंडिकेटर है वो आपको हैलोजन में मिल जाएगी, अगर आप चाहें तो LED में भी लगवा सकते हैं। बाकी अगले अपडेट की बात करें तो यहाँ पर E20 का स्टिकर लगा हुआ है। ये E20 फ्यूल को सपोर्ट करती है, 11 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी मिल जाती है, इसमें 11 लीटर पेट्रोल आता है। यहाँ भी R15S का स्टिकर दिया गया है, दोनों तरफ आपको जो है वो यहाँ पर ऊपर में यमाहा के लोगो दिए गए हैं। टैंक काफ़ी यूनिक और स्टाइलिश है, फुली फाइबर बॉडी का सेटअप आपको मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको इसके एग्जॉस्ट के और इंजन के साउंड को चेकआउट करा देता हूं। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि बाइक के टंकी के अंदर में पेट्रोल थोड़ा सा कम है, तो अभी आप इसकी आइडल साउंड को सुन सकते हैं। ज़्यादा रेस मैं नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि इसमें जो पेट्रोल है वो थोड़ा सा कम है। तो OBD2 सेंसर अपडेट के बाद इसका जो इंजन का जो साउंड है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड हो चुका है। इसमें क्लिप ऑन बार है, स्पोर्टी हैंडल बार है जो कि एकदम फ्लैट भी है और नीचे भी थोड़ी सी है जिससे बाइक को चलाते समय झुकना पड़ता है। चाबी यहाँ पर आपको नॉन बेव की मिलती है। इस बाइक में फुल डिजिटल स्पीडोमीटर का पूरा सेटअप मिलता है, यही मीटर आपको मिलता है MT15 में। नीचे में ABS, हेडलाइट, टर्न इंडिकेटर और यहाँ पर आपको फ्यूल गेज मिल जाता है, स्पीडोमीटर मिल जाता है, घड़ी मिल जाती है। यहाँ पर चेक इंजन की लाइट है, इंजन टेम्परेचर, गियर न्यूट्रल इंडिकेटर और ऊपर में गियर शिफ्ट इंडिकेटर। यहाँ पर RPM मीटर दिया गया है, ऑटोमीटर, ट्रिम मीटर मिल जाता है, BBA इंडिकेटर मिल जाता है। बाकी यहाँ पर रियल माइलेज इंडिकेटर मिल जाता है, इसमें डिस्टेंस टू MT वाला फीचर्स नहीं मिलेगा। बाकी अदर फीचर्स की बात करें तो सर्विस ड्यू रिमाइंडर मिल जाएगा, इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी। अगर आपको ब्लूटूथ चाहिए तो टॉप मॉडल में आपको जाना पड़ेगा। इसकी जो माइलेज है वो आती है 45 से 50 के बीच में, 155 की टॉप स्पीड चली जाती है हाईएस्ट। यहाँ पर आपको पासिंग अपर डिपर इंडिकेटर हॉर्न इसका काफ़ी लाउड है क्योंकि इसमें डुअल हॉर्न मिल जाते हैं और जो ग्रिपिंग वगैरह है वो भी काफ़ी कम्फर्टेबल है लॉन्ग राइड के लिए। इस बाइक का कर्व वेट है 142 किलोग्राम। अब इसके फ्रंट की अगर हम बात करें तो जो फ्रंट है वो टोटल अलग मिलता है और यहाँ पर LED DRL मिल जाते हैं छोटे छोटे, स्प्लिट LED हेडलाइट का पूरा सेटअप मिलता है। अंदर में जो है वो पूरा का पूरा एयर वेंट जैसा सेटअप है। अगर आपको इसमें LED प्रोजेक्टर का सेटअप चाहिए अंदर में तो फिर आपको जो है वो R15M का ये टॉप वाला मॉडल ले सकते हैं जिसमें आपको साइड में LED DRL भी मिल जाते हैं। लुक भी काफ़ी न्यू जनरेशन वाला मिलता है और ये ब्लू कलर और रेड कलर में भी अवेलेबल है, लेकिन जो कलर के जो प्राइस हैं वो अलग अलग कंपनी ने रखे हुए हैं जो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। अब बाइक के फ्रंट की अगर हम बात करें तो भाई यहाँ पर BBA टेक्नोलॉजी आपको मिल जाती है जिससे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है। 282 mm की डिस्क मिलती है, ABS आपको डुअल मिलेगा, बाइब्रे के कैलिपर हैं, 180/17 प्रोफाइल का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है, 17 inch का ब्लैक कलर का एलॉय दिया गया है आगे में। बाकी जो मडगार्ड आप देख रहे हैं ये टोटल फाइबर बॉडी का है जो कि थोड़ा सा मैट ब्लैक कलर में है। आगे में 37 mm डायमीटर के टेलीस्कोपिक फॉर्क मिलते हैं, लेकिन अगर आपको गोल्डन वाले चाहिए तो R15M और MT15 डुअल चैनल EBS में आना पड़ेगा। अंदर में एक बड़ा सा रेडिएटर कूलिंग दिया गया है जो कि लिक्विड कूल्ड वाला है और यहाँ पर यामाहा की ब्रांडिंग है।
और 850 ml इसमें इंजन ऑयल आता है। यहाँ पर इंजन ऑयल फिल्टर, 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। इसमें 155 cc का लिक्विड कूल्ड 4-stroke 4-valve BSX Fi इंजन दिया है। ये इंजन मैक्स पावर देता है 18.4 PS की 10,000 RPM पर, 14.2 Nm का टॉर्क देता है 7,500 RPM पर। भाई बाइक का इंजन इतना रिलायबल है, काफ़ी लंबे समय तक चलता है। डेल्टा बॉक्स फ्रेम मिलता है, जो फुटपैक्स हैं वो आपको थोड़े से पीछे की तरफ मिलते हैं, थोड़े से ऊपर की तरफ उठे हुए मिलते हैं। एक चीज़ नेगेटिव है भाई, यहाँ पर जो एग्जॉस्ट है इसके ऊपर में टोटल फाइबर बॉडी के ही मफलर गार्ड का यूज किया गया। पीछे में 220 mm की डिस्क है, ABS भी आपको मिल जाएगा, 140/70/8/17 का रेडियल ट्यूबलेस टायर मिलता है, 140 mm इसकी चौड़ाई है। पीछे में बड़ा सा टायर हगड़ दिया गया, मड फ्लैप भी मिल जाता है, लिंकेट टाइप का मोनो क्रॉस सस्पेंशन का सेटअप मिल जाएगा। बाइक का जो व्हील बेस दिया गया है इसमें मिलता है 1325 mm का व्हील बेस और 142 किलोग्राम की ये बाइक है। नीचे में एक बड़ा सा जाली टाइप का बड़ा सा साड़ी गार्ड मिल जाएगा और ये जो स्विंग आर्म है ये पूरा का पूरा एल्यूमिनियम बॉडी का है। यहाँ पर जो फुटपैक्स हैं वो थोड़े से पीछे की तरफ मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं। ये है इसका मोनो क्रॉस सस्पेंशन। गियर की बात करें तो भाई एक चीज़ अच्छी है, इसमें 6-speed गियर बॉक्स मिलता है। इंजन काफ़ी पावरफुल है, 150 cc सेगमेंट में जो 200 cc वाली गाड़ी को भी हरा देता है। नीचे में साइड स्टैंड है, इसमें मेन स्टैंड आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो प्राइस की बात करें तो न्यू यामाहा R15S सिंगल सीट E20 OBD2 मैट ब्लैक कलर की एक्स शोरूम कीमत है 1,63,700 रुपये, ऑन रोड कीमत है 1,97,682 रुपये के आसपास, और MT15 डुअल चैनल ABS में अप्रॉक्स ऑन रोड कीमत है 2,05,000 के आसपास, और यामाहा की R15M OBD2 टॉप मॉडल की अप्रॉक्स ऑन रोड कीमत है 2,35,400 रुपये के आसपास, और इसका जो ब्लू कलर है वो आपको मिल जाता है लगभग 2,25,300 रुपये के आसपास, और इसका जो रेड कलर है वो आपको मिलता है लगभग 2,20,000 के अप्रॉक्स में। जो कीमत है वो मैंने आपको बताई है बैनियन ट्री ऑटोमोबाइल यामाहा शोरूम राजरहाट कोलकाता शोरूम की। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करें, और अपनी सिटी की जानना चाहते हैं तो कमेंट कर देना, मैं आपको आपकी सिटी की ऑन रोड कीमत बता दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर।